अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू के चपली कबाब। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। जब आप ये बनाएंगे तो आप बीफ और चिकन के कबाब बिल्कुल भूल जाएंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अदद आलू। इनका मैंने छिलका उतार लिया है और मैंने इनको पानी के अंदर डिप करके रख दिया है ताकि ये काले ना हों। इसमें बाकी जो हम कुछ स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं जी प्याज, दरमियाने साइज का प्याज लेके इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1/2 कप हम इसमें इस्तेमाल करेंगे मैदा, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास है धनिया, ये मोटा मोटा मैंने इसको कूट लिया है, ये साबुत है। और यहाँ पे हम साथ इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, ये मेरे पास कूटी हुई है। आप चाहें तो आप इसकी जगह पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, इसका बहुत मज़े का होता है और इससे जो कबाब हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। साथ यहाँ पे जाएगा 1 अदद टमाटर, हरा धनिया, 2 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक काट लिया है, 1 टेबल स्पून वाइट ज़ीरा, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पीस लिया है। और यहाँ पे साथ हम इस्तेमाल करेंगे 1/2 टेबल स्पून अनारदाना। पहले यहाँ पे हमने जो आलू लिए थे इनको हम कद्दूकश करेंगे। एक एक लेके आप इसको कद्दूकश कर लें। ये कद्दूकश हो गए हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे पानी और ये मैंने लिया है बिल्कुल चिल पानी। अब इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूंगी और यहाँ पे मैं इनको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको इसी के अंदर रखेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर हमने इसे ठंडे पानी के अंदर अच्छी तरह से मसल मसल के धो लिया है। अब हम यहाँ पे एक साथ बाउल लेंगे और छलनी की मदद से हम यहाँ पे इसको छान लेंगे ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने तमाम जो पानी है वो निकाल लेना है। पानी जो है वो अच्छी तरह आपने खुश करना है। ये आप देख सकते हैं कि जो आलू हमने यहाँ पे लिए थे जिनको हमने कद्दूकश किया था, अच्छी तरीके से हमने पानी इसमें से निचोड़ लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च, धनिया, यहाँ पे साथ ही हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, नमक। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। घर में ये तकरीबन हर चीज़ मौजूद होती है तो आप आराम से बना सकती हैं। अनारदाना, ज़ीरा, साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे धनिया। धनिया के साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे मैदा और साथ ही यहाँ पे हम ऐड कर देंगे प्याज। इन सारी चीज़ों को अब हम यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप इसे हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। हाथ से ये है ना कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और आपने यहाँ पे पानी ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी जो है वो थोड़ा बहुत प्याज जो है उसके अंदर भी और आलू के अंदर भी रह जाता है, तो ये इसी तरीके से मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा साइड पे रखेंगे और यहाँ पे हम लेंगे टमाटर। सबसे पहले हम इसके इस तरीके से स्लाइस काट लेंगे। आपने बहुत मोटे नहीं रखने स्लाइस, आपने बारीक बारीक काट लेने हैं। की स्लाइस काटने के बाद अब हम यहाँ पे हाथों को ग्रीस करेंगे हल्का सा ऑयल लेके और यहाँ पे अब हम कबाब बना लेंगे। इस तरीके से आप कबाब बना लें और अब इसके ऊपर हम टमाटर का एक स्लाइस रखेंगे और इसको अब हम प्लेट के अंदर निकाल के रख देंगे।
इस तरीके से बाकी भी हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कबाब हमने बना लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। पहले हम एक पैन के अंदर ऑयल गरम करेंगे और अब हम इसमें जो कबाब हैं उनको फ्राई करेंगे। जो टमाटर वाली साइड है उस साइड से हमने इनको फ्राई करना है इस तरीके से। आंच आपने तेज़ नहीं रखनी, आपने बिल्कुल जो है लो फ्लेम पे आप इनको फ्राई करेंगे। एक साइड इनकी तकरीबन फ्राई हो चुकी है, अब हम इनकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इनकी साइड चेंज कर लें। अब हम इनको इस साइड से भी फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों से ये फ्राई हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इनको इस प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और बाकी भी जो हमारे हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फाइनली आप देख सकते हैं आलू चपली कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं, हमने इन्हें फ्राई कर लिया है और प्लेट आउट भी कर लिया है। इसके साथ हम यहाँ पे पुदीने की चटनी अगर आप साथ बनाएं तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें लेके इनको भी फ्राई कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ही रेसिपी पसंद आएगी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our